वो ये आ रही है कि गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन, जी हाँ, जम्मू कश्मीर के जो गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने एक लिस्ट जो है 2016 जॉब सिलेक्शन हुई थी KVIB यानी कि खादी एंड विलेज इंडस्ट्री बोर्ड की जो उस समय की जो लिस्ट थी उसको कैंसिल कर दिया है। जी हाँ, बता दें 101 पोस्ट थी उस समय 2016 में पोस्ट लगाई गई थी, सिलेक्ट किए गए थे 101 जो यूथ थे उनको, लेकिन जिस तरह से ये खबर आई है उसमें ये बताया गया है कि इल्लीगल अपॉइंटमेंट्स उस समय हुई थी इस इंडस्ट्री में, और उसको आज जो बड़ा फैसला लेते हुए गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन ने इस पूरी की पूरी लिस्ट को क्वैश कर दिया है। जी हाँ, इस लिस्ट को कैंसिल कर दिया है और इस पर इंक्वायरी बिठा दी है। बता दें गवर्नर जम्मू कश्मीर के जो हैं सत्यपाल मलिक की, इनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने आज ऑर्डर दिया है इस सभी जो सिलेक्शन जो की गई थी KVIB यानी कि खादी एंड विलेज इंडस्ट्री बोर्ड की, ये थी एडवर्टाइज नोटिस उस समय का KVIB ब्लीक 01 ऑफ 2016 डेटेड 08/10/2016 की जो पोस्ट थी उस समय 101 पोस्ट जो थी वो लगाई गई थी 2016 में, उन सभी को कैंसिल कर दिया गया है। और बता दें जो एलिगेशन लगाए गए हैं उसमें यह बताया गया है कि इलीगल अपॉइंटमेंट्स की गई थी उस समय इन पोस्ट के लिए, और इंक्वायरी जो है वो कंडक्ट जो है वो हो रही है इस इशू के, पूरी जो है इसमें इंक्वायरी होगी। और बता दें आज ट्वीट करते हुए जो जम्मू कश्मीर जो हमारे इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से ये एक नोटिस जारी किया गया है, जिसमें साफ तौर पर ये बताया गया है कि जम्मू कश्मीर जो गवर्नमेंट जो प्रेजेंटली जो एडमिनिस्ट्रेशन है जो ये गवर्नर महोदय के अंडर है, उस समय 2016 में जिस तरह से इल्लीगल अपॉइंटमेंट्स हुई थी, 101 पोस्ट जो लगाई गई थी KVIB, जिस तरह से मैंने आपको बताया खादी एंड विलेज इंडस्ट्री जो ये बोर्ड है इसमें, उस समय भी बड़ा हंगामा हुआ था कि इल्लीगल जो ये सिलेक्शन है ये हुई है इस डिपार्टमेंट में, इसमें इंक्वायरी होनी चाहिए। और आज इसका बड़ा फैसला लेते हुए गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन ने इस पूरी की पूरी लिस्ट को कैंसिल कर दिया है और इसमें इंक्वायरी बिठा दी गई है। बड़ा फैसला है, और जिस तरह से इसमें यह बताया गया है इसमें प्रोब होगा, पूरी की पूरी इंक्वायरी होगी, और इसमें यह पता चलेगा कौन कौन इसमें इन्वॉल्व था और किस किस के कहने पे यह अपॉइंटमेंट्स हुई थी। आपको बता दें इससे पहले जम्मू कश्मीर बैंक था, उसमें भी ऐसा ही हुआ था, उसमें भी ऐसे ही चला था सारा सिस्टम, उसमें भी जो इशारे थे साफ तौर पर नजर आ रहे थे कि इल्लीगल वहां पे भी जो सिलेक्शन है वो होती जा रही थी। फिर उसके बाद जिस तरह से बड़ा फैसला इस समय आया है गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, और उन्होंने साफ तौर पर जो ये 2016 की सिलेक्शन लिस्ट थी KVIB, जी हाँ, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री जो ये बोर्ड था, इसमें जो 2016 में सिलेक्ट हुए थे 101 पोस्ट जो बनाई गई थी उसमें लगाए गए थे, नियुक्त किए गए थे 2016 में, उन सभी को कैंसिल कर दिया गया है। बड़ा फैसला लेते हुए गवर्नर जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसने एक बार फिर कड़ा रुख दिखाते हुए बता दिया है कि करप्शन और जो इल्लीगल अपॉइंटमेंट्स, बैकडोर अपॉइंटमेंट जितनी भी हैं उन सबको रडार पर रखा गया है। अब आगे फ्यूचर में कौन सा डिपार्टमेंट रडार पे होता है वो भी जल्द ही पता चल जाएगा, जिस तरह से ये इन्होंने बताया है। बड़ा फैसला लेते हुए KVIB जितने भी ये लोग 101 लगाए गए थे, इन्होंने आरोप लगाया था कि इनकी इल्लीगल अपॉइंटमेंट्स हुई हैं और उनको खारिज कर दिया गया है। जी हाँ, इस पूरी की पूरी लिस्ट को खारिज कर दिया गया है। अब देखना ये होगा कि अब ये जो गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन है और कौन सा बड़ा फैसला लेती है। फिलहाल मुझे यानी नगेंद्र जोबाल को कैमरामैन अजय कुमार के साथ इस समय यहाँ से दीजिए इजाजत, शुक्रिया।